हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 8 फरवरी 2023 के द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड दीज वीडियोस हेल्पफुल, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट बाय कमेंटिंग बिलो, लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ यू हैवन्ट डन दैट। नाउ यू कैन सपोर्ट द चैनल एंड माई वर्क बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। यू कैन गो एंड चेक आउट द पर्क्स दैट वुड फॉलो। But more than the perks, honestly speaking, it would act as an incentive for the creator to continue with this work. And as you know that, you know, the channel would turn 7 months this 23rd February. So from past 6.5 months with no incentive, almost nothing, honestly, the videos haven't even got the push that ideally they should have been. But, you know, keeping that aside, it's difficult. A lot of effort, you know, actually goes into making these videos. Especially jo aap Vision IAS ki videos dekhte hain, usme kaafi mehnat lagti hai aur kaafi samay jata hai. To itne samay se, I do not know how have I been able to continue with this channel and how have I come this far. I seriously do not know that. But if you want the work to continue, especially Vision IAS ki magazines, unfortunately, mujhe discontinue karni padegi aane wale कुछ समय में, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लग रही है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इफ यू वांट टू शो सपोर्ट यू कैन कंसिडर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द चैनल। ऑलराइट, इट वुड बी एक्चुअली वेरी ग्रेट ऑन योर पार्ट टू डू दैट। तो पहला आर्टिकल आज का द हिंदू का एक आर्टिकल है, कार टी सेल थेरेपी द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हम ऑलमोस्ट जो द हिंदू के एफएक्यू सेक्शन में या फिर द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जो कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड थेरेपीज पिछले एक साल में इवॉल्व हुई हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट्स, सेल थेरेपीज, ल्यूकेमिया रिलेटेड ट्रीटमेंट्स जो यूके की आई हैं, और ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के प्रेलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रेलिम्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे, उस तरह से यू वुड हैव टू ट्रेन योर माइंड, यू नो, बिकॉज क्वेश्चंस वुड कम अप इन दैट फॉर्मेट। और क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स, यू नो, इंडिया में आ रहे हैं कि कैंसर नंबर टू डेथ, यू नो, कॉजिंग डिसीज बन रही है। अभी भी नंबर वन पे तो हार्ट अटैक्स ही हैं, और साथ ही में ब्रेस्ट कैंसर पे आप जानते हैं कि उसको नेशनल इमरजेंसी, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने की एक्टिविस्ट मांग रहे हैं। सो लॉट इन टू कैंसर रिसेंटली, और बहुत सारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज भी डेवलप की जा रही हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब कुछ आपको पता है, ऑलमोस्ट एवरी डे सम रिपोर्ट पॉप्स अप इन द न्यूज़पेपर्स रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट, यू नो ऑल दैट। और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस भी कर चुके हैं। तो मेंस में भी आपको प्रिपेयर करना है कि अभी तक किस किस तरह की थेरेपी, यू नो, जब से इस कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हुआ है कौन कौन सी इवॉल्व हो गई हैं, रीसेंट, यू नो, टारगेटेड ड्रग थेरेपी और इस तरह की जो भी नैनो बॉट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारी इस तरह की आपको न्यूली इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को मेंशन करना पड़ेगा। और प्रेलिम्स में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे हम कार टी सेल थेरेपी को अगर डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन विद इट, ओके, फिर हम देखेंगे क्या क्या आपको पता होना। यू शुड, तो पहली बात पता होना चाहिए आपको कि टी सेल्स क्या होते हैं। अगर आपको टी सेल्स ही नहीं पता तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, वहां पे फिर आप क्या अपना दिमाग लगाओगे। ऑलराइट, द थ्री मेजर फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एनी कैंसर, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर स्टेटमेंट यही आती है कि तीन मेजर जो कैंसर के ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर वन होता है सर्जरी, जब आप कैंसर को रिमूव कर दें। देखिए, लेकिन जो सर्जरी वाला काम आता है ना, वो उस तरह के कैंसर्स में आता है जो स्प्रेड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, टांग के किसी एक कोने में ट्यूमर है, ऑफकोर्स किसी वजह से हो गया है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। ऑलराइट, तो सर्जरी ल्यूकीमिया जैसी, यू नो, कैंसर्स के लिए नहीं काम आ सकती, क्योंकि वो पूरी बॉडी में आप कैसे सर्जरी कर देंगे। तो सर्जरी वैसे पहला एक तरीका होता है कैंसर को क्योर करने का, बिकॉज यू रिमूव द ट्यूमर फ्रॉम इट्स लोकेशन। नंबर टू होता है रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी डिलीवरिंग आयनाइजिंग रेडिएशन टू द ट्यूमर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयनाइजिंग रेडिएशन ट्यूमर पे जब डाली जाती है, उससे इट सॉर्ट ऑफ मेल्ट हो जाता है ट्यूमर, तो ये रेडियोथेरेपी में होता है। और तीसरा है सिस्टमिक थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम इस जगह सिस्टमिक थेरेपी की ही बात कर रहे हैं। अगर आपके प्रेलिम्स में एक स्टेटमेंट लिखी है कि कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर सिस्टमिक थेरेपीज, तो आपको पता होना चाहिए कि नो, नॉट रेडियोथेरेपी, एक्चुअली
जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी एक्चुअली एक सिस्टमिक थेरेपी है। तो उससे पहले कि हम देखें कि कैसे है, तो आपको सिस्टमिक थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। सिस्टमिक थेरेपी बेसिकली उन तरह के कैंसर्स के लिए यूज होती है जो आपके पूरी बॉडी में ड्रग को डिलीवर करें। सो व्हेन यू डिलीवर और एडमिनिस्टर मेडिसिन टू द एंटायर बॉडी, चाहे आप ओरल कंजम्पशन करें, अब ये भी एक पॉइंट है प्रेलिम्स के लिए, क्योंकि आप समझेंगे कि ओरल कंजम्पशन से शायद कैसे कैंसर ठीक होता होगा एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, जो सिस्टमिक थेरेपी है वो ओरली भी दिया जा सकता है, वेन्स में इंजेक्ट भी किया जा सकता है ताकि वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड हो जाए। तो सिस्टमिक थेरेपी बेसिकली विद इन दिस यू एडमिनिस्टर मेडिसिन दैट एक्ट ऑन द ट्यूमर, ऑफकोर्स इन द एंटायर बॉडी। सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी, जो हमने शुरुआती दो ट्रीटमेंट्स देखी, सर्जरी जो लोकलाइज ट्यूमर्स को हटाने के लिए यूज होती है, फिर रेडियोथेरेपी। ये देखिए, हम जानते हैं कि बहुत सारे इसमें भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, एवोल्यूशंस हुए हैं, बेटर हुए हैं ये दोनों ही माध्यम ओवर द टाइम, लेकिन जिस तरह के एडवांसेस हम सिस्टमिक थेरेपी में देख रहे हैं दैट इज अनपैरेलल्ड, बहुत ज्यादा एडवांस। ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में किसी ना किसी तरह की सिस्टमिक थेरेपी पे रिसर्च चल रही है। Something new has been coming up almost every new year. All right, a new development on this front currently holding the attention of many researchers worldwide. तो ये चीज अगर again आपके prelims के लिए एक statement कि जो CAR T cell therapy है वो एक systemic therapy of cancer treatment है, that is true. या फिर अगर statement ये है कि CAR T cell therapy and chemotherapy are systemic therapies of cancer treatment, वो सही है. All right. How has systemic therapy evolved? और systemic therapy evolved कैसे हुई है? Systemic therapy's earliest form was chemotherapy. Of course, सबसे पहले जो systemic therapy लाई गई वो chemotherapy है, ये तो आप जानते ही हैं। जिसको अगर हम जब administer कर लेते हैं, कर देते हैं body में डालते हैं basically इस chemical को, so what it does is, it preferentially acts on cancer cells because on the latter's rapid unregulated growth and poor healing mechanisms. देखिए क्या है ना, chemotherapy का एक बहुत बड़ा side effect क्या है, मैंने यहाँ पे बोला word preferentially. जब मैंने word preferentially बोला तो ना ही केवल cancer cells पे act करेगा, इसका सबसे बड़ा side effect यही है कि ये बाकी आसपास के healthy cells को भी मार देता है बहुत बार, ठीक है? तो लेकिन इसकी कोशिश तो यही रहती है कि ये टारगेट करे कैंसर सेल्स को, क्योंकि उन्हें डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि एक ही तरह के सेल्स हैं, क्लोन ऑफ सेल्स हैं, एक ही तरह के बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, और उसकी बड़ी सारी कॉपीज, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनी हुई हैं, ठीक है? तो उन तरह के सेल्स को मारना, बिकॉज यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी यू नो एप्टली। तो ये बेसिकली कीमोथेरेपी में होता है। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैव द मॉडस्ट रिस्पॉन्स रेट एंड सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत और तरह के जो सेल टाइप्स हैं वो मर जाते हैं कीमोथेरेपी में। द नेक्स्ट स्टेज, तो पहला हमने जो देखा, सबसे पहला जो स्टेज ऑफ एवोल्यूशन था सिस्टमिक थेरेपी में, वो हमने डिस्कस कर लिया, वो था कीमोथेरेपी। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या आया? अच्छा, हमने कीमोथेरेपी से कुछ बेटर बनाने की कोशिश की, तो वो क्या था? वो बेसिकली इम्यूनोथेरेपी थी। The next stage in its evolution was targeted agents. Here the drugs bind to specific targets on the cancer or on the immune cells that help the tumor grow or spread. तो basically क्या होता है कि इसमें भी आप medicine ही डालेंगे body में, लेकिन ये medicine या फिर ये drug क्या करेगा? उन immune cells पे जाके चिपक जाएगा या फिर उसको target करेगा जो basically tumor को help कर रहा है grow करने में, ठीक है? This method often has fewer side effects. Of course, ये chemotherapy के comparison में इसके side effects थोड़े कम है। Again, prelims के perspective से, अगर आपकी statement ये आती है कि chemotherapy के comparison में immunotherapy has less side effects, then that is correct. Okay? क्योंकि non-tumor cells पे, क्योंकि basically पता है ना कि जाके उस पे चिपक जाना है, जो immune cells basically help कर रहे हैं कैंसेरियस सेल्स को स्प्रेड करने में, सो दैट वे इट इज मोर टारगेटेड। इसका नाम ही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है। ऑलराइट, हाउएवर इट इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ट्यूमर्स दैट एक्सप्रेस दीज टारगेट्स। लेकिन इसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो हम आगे देखेंगे अभी। व्हाट आर CAR T सेल्स? काइमेरिक,
एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपीज, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ऑफ कोर्स कार टी सेल्स में दो वर्ड है, एक तो कार निकल रहा है यहाँ से और एक टी निकल रहा है। पहली बात तो आपको टी सेल्स पता होने चाहिए क्या है। टी सेल्स एक तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स आपके जो इम्यून सिस्टम है, जब भी कुछ फॉरन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो उसको किल करने में जो हेल्प करते हैं, जो किल करते हैं एक्चुअली, वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, वो होते हैं इम्यून सेल्स। तो उसी में से एक टाइप है टी सेल, राइट। तो टी सेल बेसिक, और जैसे कि आप जानते हैं एचआईवी एड्स के टाइम पे भी हमने देखा था, जब हमने डिस्कस किया था, तो उसमें भी वही होता है कि टी सेल को ही कॉम्प्रोमाइज कर देना है, टी सेल्स को खत्म करते रहना है बॉडी से, क्योंकि इसीलिए तो जो एक एचआईवी एड्स का पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि उसमें टी सेल की कमी हो जाती है। इतना वीक हो जाता है कि एक छींक भी उसके लिए बहुत फेटल चीज बन सकती है, एक कॉमन कोल्ड भी उसके लिए डेंजरस बन सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम इतना वीकेंड हो गया, टी सेल्स की मात्रा बहुत कम होती जाती है। तो टी सेल्स वही वाले टी सेल्स हैं जो आप एच आई वी एड्स के समय में जब आप पढ़ते हैं, तो वही वाले टी सेल्स। तो लेकिन हम यहाँ पे, जैसे हमने देखा, इसमें दो शब्द हैं, एक तो टी सेल हमने देख लिया क्या होता है, अब यहाँ पे कार भी लगा हुआ है। तो जिन टी सेल्स के ऊपर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर भी आ जाता है, ओके, हम देखें एक तरह के प्रोटीन होता है, वेरी इजीली यू वुड अंडरस्टैंड, डू नॉट वेरी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ पे। उन तरह के टी सेल्स को कार टी सेल्स बोल देते हैं। फिर इन टी सेल्स के मदद से जब हम कैंसर को ट्रीट करते हैं तो वो कार टी सेल थेरेपी हो जाती है, ओके। इट रिप्रेजेंट अ क्वांटम लीप इन द सोफिस्टिकेशन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो अभी हमने देखिए क्या देखा, कीमोथेरेपी देखा, अच्छा था वो, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। फिर हमने उससे बेटर एक चीज देखी, वो इम्यूनोथेरेपी थी, लेकिन अब हम उससे भी कहीं गुना बेहतर एक चीज देख रहे हैं, वो है कार टी सेल थेरेपी। इट्स अ क्वांटम लीप इन द सोफिस्टिकेशन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। अनलाइक कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी विच रिक्वायर मास प्रोड्यूस्ड इंजेक्टेबल और मेडिकल, अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी में क्या है कि वही इंजेक्शन के माध्यम से, अगेन अगर ये लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ओरल मेडिकेशन के माध्यम से कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो सकती, यानी कि कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, ओके, विच रिक्वायर मास प्रोड्यूस्ड इंजेक्टेबल और ओरल मेडिकेशन, कार टी सेल थेरेपी इज यूज अ पे, ओके। देखिए इसमें क्या होता है कि ये, इसे हम क्या कहते हैं, कार टी सेल थेरेपी इज अ पर्सनलाइज्ड एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, ओके, पर्सनलाइज्ड, ये टर्म अगर लिखी हो तो बिल्कुल सही है। और उसका मतलब क्या है कि एक पर्सन के, ठीक है, उसी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की जा रही है ये थेरेपी, क्योंकि उसी में से उसके इम्यून सेल्स निकालने हैं और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है और वो दोबारा उसी में वही इम्यून सेल्स डाल देने हैं और वो इम्यून सेल्स अब काम करेंगे कैंसर को किल करने में या फिर ट्यूमर्स को किल करने में। और यही रैशनल है सिंपल सा कार टी सेल थेरेपी का, क्योंकि इसमें क्या है, यू वुड यूज द पेशेंट्स ओन सेल्स, नाउ दे आर मॉडिफाइड एज इट इज रिटन हियर, दे आर जेनेटिकली मॉडिफाइड इन द लेबोरेटरी। वही टी सेल्स को आपने किसी की बॉडी में से निकाल लिया, उन टी सेल्स को आपने मॉडिफाई किया, इस तरह से मॉडिफाई किया कि स्पेसिफिकली जाके ट्यूमर सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। दीज मॉडिफाइड सेल्स आर देन इन्फ्यूज्ड बैक इनटू पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम आफ्टर कंडीशनिंग देम टू मल्टीप्लाई मोर इफेक्टिवली। द सेल्स आर इवन मोर स्पेसिफिक देन टारगेटेड एजेंट, यानी कि इम्यूनोथेरेपी से भी ज्यादा टारगेटेड, एंड डायरेक्टली एक्टिवेट द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम अगेंस्ट कैंसर, मेकिंग द ट्रीटमेंट मोर क्लिनिकली इफेक्टिव। इसको हम लिविंग ड्रग्स भी कहते हैं, ओके, क्योंकि क्या किया आपने, वो इम्यून सेल्स उस इंसान के तो इम्यून सेल्स थे, लिविंग सेल्स थे, उन्हीं को आपने मॉडिफाई किया, दोबारा बॉडी में डाल दिया और वही आप काम कर रहे हैं खुद ही के आपके कैंसर के अगेंस्ट। ऑलराइट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन कैसे काम करता है अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो, ओके, इन कार टी सेल थेरेपी द पेशेंट्स ब्लड इज ड्रॉन टू हार्वेस्ट टी सेल्स विच आर इम्यून सेल्स दैट प्ले अ मेजर रोल इन डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर सेल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया टी सेल्स क्या करते हैं, ट्यूमर सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो बेसिकली पेशेंट के ब्लड में से हमने टी सेल्स निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ओके, रिसर्चर्स मॉडिफाई, और फिर हमने एक्सट्रैक्टेड टी सेल्स को क्या किया, मॉडिफाई किया लैब में, और हमने इस तरह से मॉडिफाई किया ताकि अपने सरफेस के ऊपर ये जो टी सेल्स हैं वो एक प्रोटीन एग्जिबिट करना शुरू कर दे, प्रोटीन दिखाना शुरू कर दे अपने सरफेस पे। उस प्रोटीन का नाम है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, ओके, हर टी सेल पे ये रिसेप्टर बन जाएंगे बड़े सारे, ओके, दी। अब ये रिसेप्टर क्या करते हैं, देखिए नाम ही में रिसेप्टर है, अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक बायोलॉजी पता है तो हर सरफेस पे अगर कोई एक प्रोटीन लगा है तो उस प्रोटीन की किसी और के सेल के सरफेस पे एक प्रोटीन से एफिनिटी होती है, उससे जाके बाइंड कर सकता है। तो ये जो हमने अपने ही टी सेल्स पे एक
यू नो ये प्रोटीन एग्जिबिट करवाया है सरफेस पे CAR, इसकी एफिनिटी है ट्यूमर सेल्स के सरफेस पे जो प्रोटीन है उसके साथ। तो बेसिकली क्या करेगा, जब आपने दोबारा बॉडी में डाल दिया तो उन ट्यूमर सेल्स के उन प्रोटीन्स के ऊपर ये वाला प्रोटीन जाके चिपक जाएगा, तो बाइंडिंग हो गई, राइट। अब क्या होगा, हमने इन टी सेल्स को इस तरह से यू नो हमने इसको मॉडिफाई किया है कि जैसे ही वो जाके बाइंडिंग हो, ये अचानक से क्या करे, टी सेल ग्रोथ को और ज़्यादा इन्हेंस करते, बहुत सारे टी सेल्स, बहुत सारा साइटोकाइंस रिलीज करने लग पड़े, जिससे क्या होगा कि ये सारे टी सेल मिलके क्या करेंगे, उस कैंसर को, उस ट्यूमर को किल कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरी टी सेल थेरेपी थी और ये सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसको कहाँ, जैसे कि मैंने बताया, अगेन अभी तक भी आपने जो डिस्कशन सुनी है उसके बेसिस पे यहाँ से अगर कोई स्टेटमेंट आपके प्रेलिम्स के लिए बनती है तो हम बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मतलब एज ऑफ टुडे CAR T सेल थेरेपी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर ल्यूकीमियाज, वही चीज, इन तरह की थेरेपीज का सबसे ज्यादा जो यूज आएगा। अब सर्जरी क्या है, वो तो एक लोकलाइज ट्यूमर को एक सर्जरी निकाल सकती है, लेकिन जो ल्यूकीमिया है, जो बेसिकली उन तरह के यू नो सेल से अराइज होती है विच प्रोड्यूस वाइट ब्लड सेल्स, तो वहीं पे आपने यू नो बेसिकली जो बोन मैरो से रिलेटेड आप जानते हैं, तो जहां से बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स निकल रहे हैं आपने उन्हीं सेल्स को टारगेट कर दिया। तो ल्यूकीमिया के केस में या लिम्फोमास के केस में जो लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर होता है, इन तरह के ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास में अभी तक हमें पता है कि CAR T सेल थेरेपी एक्चुअली वर्क्स। दीज कैंसर्स अकर थ्रू द अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स दैट इज फॉलोइंग द कैंसेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक ही तरह के सेल बिल्कुल आइडेंटिकल सेल की मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देना, ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, ये कैंसर होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द टारगेट फॉर CAR T सेल्स इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, वही चीज। तो क्या आसान हो जाएगा CAR T सेल थेरेपी इंप्लीमेंट करना, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा टारगेट क्या है, एक ही तो तरह का है, समझ रहे हैं ना, एक ही तरह की तो सेल है जिसकी बड़ी सारी कॉपी है, तो बड़ी सारी कॉपी उस पर जाके अटैक करना है, उनके साथ बाइंड करना है और उनको खत्म कर देना है। सो दैट वे इट इज अ रिलायबल सोल्यूशन। CAR T सेल थेरेपी इज ऑल्सो यूज अमंग पेशेंट्स विद कैंसर्स दैट हैव रिटर्न। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूजुअली एक और आपके लिए पॉइंट है प्रेलिम्स का, यूजुअली क्या है ना कि CAR T सेल थेरेपी को सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में काम किया यूज किया गया और उसका इफेक्ट अच्छा देखा गया है। सेकेंड या थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, जब फॉर एग्जाम्पल जो इनिशियल ट्रीटमेंट हमने से कीमोथेरेपी दी और वो इतना काम नहीं किया तो हमने सेकेंड बार ये दे दी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है CAR T सेल थेरेपी इज ऑल्सो यूज अमंग पेशेंट्स विद कैंसर्स दैट हैव रिटर्न्ड आफ्टर एन इनिशियल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट और विच हैवंट रिस्पॉन्डेड, तो प्रीवियस ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर प्रीवियस ट्रीटमेंट सक्सेसफुल थी, तो उन तरह के उसके बाद बेसिकली CAR T सेल थेरेपी अप्लाई की जाती है। इट्स रिस्पॉन्स रेट इज, अब लेकिन ये भी चीज आपके लिए अगैन एक और स्टेटमेंट है, इसका रिस्पॉन्स रेट जो है वो थोड़ा वेरी करता है बहुत ज़्यादा। तो कहीं तरह के ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज में एफिकेसी यानी कि कैंसर को मार देने का बिल्कुल जो एम है वो पूरा हो जाना वो 90% के करीब है, एज हाई एज 90%, लेकिन कहीं टाइप ऑफ कैंसर्स में इट इज़ वेरी लो, एज लो एज 15% 30%। द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड इफेक्ट्स तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आई थिंक 2020 के पेपर में एक उस समय पे आई थिंक टीबी वैक्सीन के बारे में, क्योंकि पेंडेमिक नया नया आया था तो तब समझा जा रहा था कि टीबी वाली वैक्सीन ही इनके खिलाफ काम कर जाएगी कोरोना वायरस के, तो फिर उसके आई थिंक पूछा गया था उस पेपर में कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये पता होना चाहिए। अगर बाय चांस स्टेटमेंट में ये लिखा है विच UPSC एब्सोल्युटली लव्स टू डू कि CAR T सेल थेरेपी की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है दैट इट हैज नो साइड इफेक्ट्स, यू नो, और पिछली वाली सारी कीमोथेरेपी इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स थे, तो इसीलिए इट इज द बेस्ट सोल्यूशन। नो, इट हैज साइड इफेक्ट्स और काफी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स है इसके, क्योंकि ये साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम इसके साथ एसोसिएटेड है। देखिए साइटोकाइन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि साइटोकाइन्स रिलीज कर देते हैं जब टी सेल वहां से चिपक गया जाके, तो उसने साइटोकाइन रिलीज किया जिससे और इनहेंस होगी टी सेल ग्रोथ और वो कैंसर का जो वो ट्यूमर सेल्स हैं वो मर गए, है ना। तो साइटोकाइन बेसिकली इस तरह का इम्यून रिएक्शन होता है, लेकिन साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो गया इम्यून सिस्टम,
कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिवेट हो गया और उससे क्या हुआ, बहुत सारे इस तरह के इम्यून सेल्स जनरेट होने लग पड़े और इन इम्यून सेल्स ने हमने हमारी ही बॉडी के बाकी नॉर्मल सेल्स को मारना शुरू कर दिया। वो होता है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ये तो देखिए बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी इस तरह की थेरेपीज में होता है, चाहे सीजर्स हों, बेहोश हो जाना बहुत बार, स्पीच इम्पेयरमेंट, जीभ लड़खड़ा जाती है बहुत बार, यू टेन बहुत ब्लर हो जाता है ब्रेन, या फिर सीवियर कन्फ्यूजन, तो ये भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। हाउ वाइड स्प्रेड इज इट्स यूज, तो कितना यूज़ किया जा रहा है अभी तक CAR T सेल थेरेपी को। The complexity of preparing CAR T cells has been a major barrier to their use. देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप सोचिए पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स निकालना, उसको मॉडिफाई करना, फिर दोबारा इंट्रोड्यूस करना, एंड यू नो इट टेक्स टाइम एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स पर्सनलाइज, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। तो फाइनल क्लिनिकल ट्रायल शोइंग दैट दे वर इफेक्टिव वॉज पब्लिश ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो। तो फर्स्ट, अब आप ये भी जानते हैं ये आपके लिए और इम्पॉर्टेंट क्यों है इस बार के लिए, क्योंकि 2022 में भारत की इंडिजिनसली डेवलप्ड थेरेपी भी आ गई है। द टेक्निकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर दिस थेरेपी आर ऑल्सो कंसिडरेबल। तो जो टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए इस थेरेपी को मैनेज करने के लिए और यू नो फॉलो करने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रीटमेंट इन द US कॉस्ट मोर देन $1 million, जैसे कि बताया बहुत कॉस्टली है, और ट्रायल्स अभी अंडरवे हैं भारत में विद कंपनीज लुकिंग टू इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर CAR T सेल्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। तो हम काफ़ी होपफुल हैं कि भारत में काफ़ी कम रुपए में, काफ़ी कम कॉस्ट में बनाया जाएगा, ओके। और अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो एनकरेजिंग हैं। तो इन इंडिया इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू थेरेपी फेसेस ट्विन चैलेंजेस ऑफ कॉस्ट एंड वैल्यू। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट डेवलपिंग फैसिलिटीज इन इंडिया में बी रिडंडेंट एंड इनअप्रोप्रिएट एज इवन व्हेन इट बिकम्स चीपर। तो लोगों का ये कहना है कि अगर चीप भी हो गया तो फिर भी जो कॉमन जनता है उसकी रीच के बाहर रहेगा, लेकिन एक बात है, एक बार ही पहले आने तो दीजिए, चलिए कोई भी इसे अफोर्ड कर पाएगा तो वो अफोर्ड करा, धीरे 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 जब, अब आप जानते हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा कैंसर कैंसर केसेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब हमें पता है कि इतने लोगों को ट्रीट करना है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट अपने आप धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग दीज टेक्नोलॉजीज इन इंडिया रिप्रेजेंट दी होप एज विद अदर इनिशियली एक्सपेंसिव। वही चीज़ पहले रोबोटिक सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ रीच मानी जाती थी, राइस और वीट को भी तो एक समय पे आउट ऑफ रीच ही माना जाता था। खैर वो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक एग्जांपल हो गया यहाँ पे, बट स्टिल विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल विद द डिमांड ऑफ कॉस्ट विच इज़ अ वेरी बैड थिंग बट इट इज़ सो, पर ये कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वुड कम डाउन। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉट आर सेल थेरेपीज, सेल थेरेपीज क्या होता है, ओके तो हम यहाँ पे पहले इसकी देखें। दीज इंक्लूड पर्सनलाइज्ड एंटी कैंसर वैक्सीन्स एंड ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट थेरेपीज, जहाँ पे वही चीज़, सेल थेरेपीज़ का मतलब है कि इंसान के खुद के इम्यून सेल्स को निकालना, उनको मॉडिफाई करना, दोबारा इंट्रोड्यूस करना और फिर उन्हीं के माध्यम से, खुद ही के सेल्स के माध्यम से खुद ही के बुरे सेल्स को मार देना। द इंटरेस्ट इन द टेक्नोलॉजी गोज बियॉन्ड प्रोवाइडिंग अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू पीपल विद ल्यूकेमियाज एंड लिम्फोमास। तो ऑफकोर्स ये तो है ही जिसके लिए काम किया जाएगा, पर इससे भी ज़्यादा किसी रीज़न की वजह से सेल थेरेपीज में काफ़ी इंटरेस्ट है। वो क्या है, जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जैसे प्रोस्टेट ट्यूमर, लंग कैंसर, कोलोन कैंसर, इस या फिर और किसी तरह के ऑर्गन जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं, उसमें भी CAR T सेल थेरेपी ने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। स्पेशली वही चीज़ जैसे कि मैंने बताया था, जब मल्टीपल लाइन्स ऑफ ट्रीटमेंट को कैंसर ने इवेड कर दिया, एस्केप कर दिया, तो उन केसेस में CAR T सेल थेरेपी काम आई। जैसे यू नो ऑफकोर्स हम वो बाद में देखेंगे द चैलेंज विद हार्नेसिंग दीज टेक्निक्स और सॉलिड ट्यूमर्स, लेकिन ऑफकोर्स ये सॉलिड ट्यूमर्स में एक प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि देखिए ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास में तो क्या है कि हमें पता है सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स हैं और उसकी बहुत सारी मिलियंस ऑफ कॉपीज हैं, तो हमें पता है कि टारगेट बड़ा आसान है, होमोजेनस टारगेट है हमारा, लेकिन ये सॉलिड ट्यूमर्स में जो टारगेट है वो हेटेरोजेनस हो जाता है, ओके इट इज़ अ हाईली हेटेरोजेनस सॉर्ट ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इसमें कोई कंसिस्टेंट टारगेट नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, तो इसीलिए यहाँ पे CAR T सेल थेरेपी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कोर्स, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी तो सेल थेरेपीज और यहाँ पे किफ़ायती होने लगेंगी। वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। अब हमें इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल देखना है, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वर्जिनिटी टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्केक इवन ऑन एक्यूज्ड दिल्ली हाई कोर्ट। तो देखिए हम ये तो जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने
टू फिंगर टेस्ट, थ्री फिंगर टेस्ट, यू नो इस तरह के जो यू नो टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कम्प्लीटली हॉरिफिक टेरेबल इस तरह डिस्क्राइब करके खारिज कर दिया है. लेकिन उस केस में डी वाई चंद्रचूड़ जी ने अक्यूज पे किए वाले नहीं, जो विक्टिम थे, रेप विक्टिम्स थी, उनके ऊपर बेसिकली वर्जिनिटी टेस्ट इस तरह का नहीं कंडक्ट किया जा सकता. उस जगह विक्टिम की बात थी, लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि देखिए, इवन अक्यूज्ड ही क्यों ना कोई इंसान, कोई एक औरत अक्यूज्ड ही क्यों ना हो, यू कैन नॉट परफॉर्म वर्जिनिटी टेस्ट ऑन हर, बिकॉज वर्जिनिटी टेस्ट कोई प्योरिटी का टेस्ट होता ही नहीं है. तो ये चीज इन्होंने बोली है. अब यहाँ पे कुछ कुछ हमें स्टैट्यूट भी देखने हैं कहाँ से वर्जिनिटी टेस्ट आता है, और सीबीआई इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा हमें केस के बारे में भी देखना है. डिक्लेयरिंग दैट वर्जिनिटी टेस्ट, देखिए आप कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट इस तरह का या फिर वुमेन डिग्निटी कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन कंसिडर मेंशनिंग इट. डिक्लेयरिंग दैट वर्जिनिटी टेस्ट कंडक्टेड ऑन अ वुमन डिटेनी और accused is unconstitutional, sexist and in violation of the right to dignity, article 21, okay, और साथ ही में discriminatory भी है. तो यहाँ पे वो चीज लिखी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूजडे को बोला है कि इस तरह के जो होते हैं टेस्ट जो एक जेंडर बायसनेस पे निर्धारित हैं, और सोसाइटी का जो व्यू है, और कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है सोसाइटी में कि वर्जिनिटी होना चाहिए, वुमेन का टेस्ट होना चाहिए, कि यू नो ऑल दैट नॉनसेंस. तो ये सोसाइटी की जो ऑब्सेशन है, दिस इज टू कम, ये ऑफकोर्स इसका एक अंत आना बहुत ज़रूरी है. अमंग इट्स सेवरल डायरेक्शंस, द सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा डायरेक्टेड सर्कुलेशन, और उन्होंने बोला है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये टेस्ट, और किसी भी जगह पे अगर परफॉर्म होता दिख गया किसी जेल में किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी द्वारा, तो फिर आप देख लेना उसके बाद क्या रेपरकशन होंगे. तो ये इन्होंने फाइनली इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के भी ऑर्डर्स दे दिए हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी के पास, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी इन्फॉर्मेशन चली गई है. द हाई कोर्ट वाज हियरिंग टू केस, हम देख लेते हैं. एक पिटिशन, एक प्ली फाइल की गई थी सिस्टर सेफी द्वारा. सिस्टर सेफी एज यू नो एक नन थी फ्रॉम सेंट पायस कॉन्वेंट इन केरलास कोट्टयम, हु हैज बीन कॉन्विक्टेड, वो कॉन्विक्टेड है और लाइफ सेंटेंस उन्हें मिला हुआ है इन सिस्टर अभ्यास मर्डर केस बाय अ केरला ट्रायल कोर्ट. और उनके 2009 की इस प्ली में सेफी ने चैलेंज किया है द कंडक्ट ऑफ वर्जिनिटी टेस्ट ऑन हर, जो सीबीआई द्वारा उन पर परफॉर्म करवाया गया. और उन्होंने ये प्लीड किया है कि प्लीज इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए, और उन्होंने पनिशमेंट भी मांगी है उन ऑफिशियल्स के लिए जिन्होंने उनके ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म करवाया, और साथ ही में टेस्ट परफॉर्म उनकी फ्री विल के बिना और टेस्ट परफॉर्म करके उसे मीडिया में सर्कुलेट किया उसके रिजल्ट्स को. तो ये केस है बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए. डिटेनी आर नॉट सस्पेंडेड, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ बहुत बार बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रियोटेट किया जाता है कि जस्ट बिकॉज एक इंसान जेल में चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फंडामेंटल राइट्स को गुड बाय बोल दिया है. प्रिजनर्स के भी वही ह्यूमन राइट्स हैं जो ह्यूमन को मिलते हैं, रहता तो ह्यूमन है, अंदर जाके कुछ और बन जाता, दानव या कुछ, यू नो ऑफकोर्स अगेन फिर आप कहेंगे कि मतलब जो उन्होंने काम किए होते हैं, बट एक बेसिक जो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो हर किसी पे अप्लाई होता है. यू आर यू नो बॉर्न विद दोज राइट्स, नोबडी कैन स्नैच दैट अवे फ्रॉम यू. डिग्निटी इज वन सच राइट. ओके, In its 2013 verdict in Lilu versus State of Haryana, the Supreme Court had held that virginity test is violated of. ये सब कुछ आपके लिए important नहीं है. Two finger test वगैरह ये चीज मैंने आपको बता दी, इसको भी unconstitutional declare कर दिया गया है. साथ ही में CBI का हम देख लेते हैं rejecting अब CBI का argument क्या था कि देखिए virginity test को तो CRPC recognize करता है. CRPC का section 53 जिसमें ये लिखा है कि अक्यूज्ड को एग्जामिन किया जा सकता है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर. ओके, तो अगर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को पुलिस ऑफिसर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रेप के केसेस में, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे बेसिकली एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक मेडिकल टेस्ट वो कंडक्ट करवाया जा सकता है एक अक्यूज्ड पे. जस्टिस शर्मा, लेकिन यहाँ पे जस्टिस शर्मा ने बोला है कि देखिए आप फिर सेक्शन 53 जो आप पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन है, वो भी पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है सेक्शन 53 की, कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है
एक अक्यूज्ड का एन अक्यूज्ड पर्सन बाय यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू स्टेट हियर। देखिए यहाँ पे बस इतना लिखा है कि मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक से एक अक्यूज्ड पर्सन का मेडिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो आपने मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स को एक्सटेंड करके, स्ट्रेच करके खुद से वर्जिनिटी टेस्ट यहाँ पे कैसे अज्यूम कर लिया? यू आर ओवर अज्यूमिंग थिंग्स। तो ये चीज इन्होंने बोला, बाई नो स्ट्रेच ऑफ एग्जामिनेशन वर्जिनिटी टेस्ट कैन प्रेज्यूमेबली फॉल अंडर द सेट प्रोविजन। वर्जिनिटी टेस्ट इज नाइदर मॉडर्न नॉर साइंटिफिक, इट इज रादर आर्केक। ना ही ये मॉडर्न है, ये तो आर्केक है, ये तो ओल्ड है बहुत ज्यादा, और ना ही साइंटिफिक है, इट इज इरैशनल नॉन सेंस। इन नो वे इट प्रूव्स एन अक्यूज्ड अ कन्विक्ट। ओके, कि अब देखिए कि इनका कैरेक्टर ही ठीक नहीं था तो ऑफकोर्स इन्होंने इस तरह की चीज की होगी। तो ज्यादा केस स्ट्रॉन्ग हो गया कि अच्छा ये लड़की ही गलत थी। ऑलराइट, नागालैंड डीजीपी हावा स्टेट पुलिस चीफ अपॉइंटेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, क्योंकि 2021 में भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आए थे जहां पे जो यूपीएससी की अपॉइंटमेंट्स और वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल और फिर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आप जानते हैं वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी ने, चीफ सेक्रेटरी जो थे उस समय वेस्ट बंगाल के, कैसे उनको उनसे रिलेटेड और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड टसल हो रही थी। सो अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स पॉप्ड अप एट दैट टाइम, और बहुत सारे एडिटोरियल्स लिखे जा रहे थे। अशोक खेमघा जी भी बहुत बार एडिटोरियल्स लिखते थे कि ये टसल सही नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप पढ़ते हैं कि असली बॉस कौन है एक IAS IPS ऑफिसर का या IFS ऑफिसर का ऑल इंडिया सर्विसेज में। रिक्रूटमेंट या फिर ट्रेनिंग तो केंद्रीय सरकार करवाती है, लेकिन उसके बाद स्टेट जो गवर्नमेंट है वो बॉस है, लेकिन कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अगर कोई केस ऐसा आता है तो। तो यहाँ पे केस क्या हुआ है, नागालैंड सरकार ने सैटरडे को इशू किया है एक ऑर्डर कि हम अपॉइंट कर रहे हैं रुपिन शर्मा जी को एज DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ स्टेट पुलिस। नागालैंड स्टेट के DGP बन गए हैं रुपिन शर्मा जी, और इस ऑर्डर के माध्यम से ही हम उनको रिलीव करते हैं जो प्रेजेंटली अभी वो होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस का जो उनके पास चार्ज है उससे। अब देखिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो ये केस हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? देयर इज अ हिस्ट्री टू इट, देयर इज अ बैकग्राउंड टू इट। ऑन January 23 द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड, क्योंकि January 23 को सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड की सरकार को डायरेक्ट किया है कि आपको इन 1992 बैच IPS ऑफिसर को बेसिकली अपॉइंट करना है एज पुलिस चीफ विद इन अ वीक। ओके, द ऑर्डर वॉज पास्ड आफ्टर नागालैंड चैलेंज। अब देखिए क्या हुआ था, UPSC ने रेकमेंड किया था दैट रुपिन शर्मा इज द ओनली फिट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, वही सिर्फ कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए। UPSC ने ये रेकमेंड किया था, लेकिन नागालैंड की सरकार ने UPSC की इस रेकमेंडेशन को चैलेंज किया था। लेकिन फाइनली आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UPSC सही कह रही है। रेयरली मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा कि UPSC की किसी चीज़ को गलत कहा गया हो। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द डिग्निटी अटैच्ड टू दी या विद द इंस्टीट्यूशन वॉट एवर, पर UPSC के किसी भी स्टेटमेंट को आज तक मेरे पिछले कुछ सालों के इंफॉर्मेशन में कोई खारिज नहीं किया गया। बहुत बार स्टूडेंट से पिटिशन डली हैं, प्लीज डली हैं एक्स्ट्रा अटैम्प्ट के लिए, बहुत सारी और चीज़ों के लिए, पर वो कहीं ना कहीं, और आर्ग्यूमेंट जब आप केस सुनेंगे जो लाइव हियरिंग चल रही होती है तो आप भी उसे देख सकते हैं, तो आपको सच में लगेगा कि जो बच्चों का पक्ष है या बहुत सारे और केसेस का वो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और मान भी रही होती है, लेकिन अचानक से फिर एंड में क्या होता है पता नहीं कि UPSC के फेवर में ही सारे वो चले जाते हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं जो अनोनिमिटी और जो जिस तरह का क्योंकि पूरे देश की जो इंटीग्रिटी और यूनिटी और ये सब कुछ कहीं ना कहीं निर्धारित करती है ये ऑर्गेनाइजेशन में, इट्स बिकॉज ऑफ दैट, आई शुड नॉट बी गोइंग इनटू दैट। ओके, हाउ डिड दिस सिचुएशन अराइज, नागालैंड प्रीवियस DGP, तो नागालैंड के जो पिछले DGP थे टी जॉन लॉन्ग कुमेर, वो बेसिकली रिटायर होने वाले थे अगस्त 2022 में, लेकिन यूनियन, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइएगा जब भी कोई स्टेटमेंट आए कि अच्छा ऐसा केस हुआ था तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो बेसिकली जो टी जॉन थे वो रिटायर होने वाले थे अगस्त 2022 में, लेकिन यूनियन होम मिनिस्ट्री ने उनको एक 6 महीने की एक्सटेंशन दी, यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री एक्सटेंशन दे सकती है, IPS तो यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ना, अलाउइंग हिम टू रिमेन इन ऑफिस बियॉन्ड द डेट ऑफ सुपर एनुएशन।
फॉलोइंग अ लीगल चैलेंज, एक स्टूडेंट यूनियन ने फिर इसको लीगली चैलेंज किया, और जो सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड स्टेट को बोला कि आप क्या कीजिए, आप एक पैनल ऑफ एलिजिबल ऑफिसर्स, यानी कि ऑप्शंस तो दीजिए इस पोस्ट के लिए, डीजीपी की पोस्ट के लिए यूपीएससी को एक पैनल जिसमें एलिजिबल ऑफिसर्स की लिस्ट हो वो यूपीएससी को भेजिए बना के। ये नागालैंड को ऑर्डर किया गया। ओके, द स्टेट्स लिस्ट हैड शर्मा, तो स्टेट की इस लिस्ट में, एक पैनल में बेसिकली नाम कौन कौन से थे, रुपिन शर्मा जी के, जिनको फाइनली अपॉइंट किया गया है, और ए सुनील अचाया, ठीक है, ये ऑफिसर 1991 बैच के आईपीएस है, बट जो अचाया है एक एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, ठीक है। तो ही वॉज अनविलिंग टू रिटर्न टू हिज पेरेंट कार्डर, वो नहीं जाना चाहते थे नागालैंड में दोबारा काम करने। सो द यूपीएससी सेंट ओनली, तो इसीलिए यूपीएससी ने केवल शर्मा जी के नाम को नागालैंड को दोबारा भेजा, और बेसिकली कंसिडरेशन के लिए और अपने रिकमेंडेशन के रूप में। शर्मा अलोबिके यूपीएससी ने कहा कि देखिए, रुपिन शर्मा जी ही अकेले मीट कर रहे हैं क्राइटेरिया को, और क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, और वो केवल शर्मा जी ही होल्ड करते हैं। द स्टेट ऑब्जेक्ट, तो एक और स्टेटमेंट जो आपको पता होनी चाहिए, ऑल्दो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का। द स्टेट ऑब्जेक्टेड, तो नागालैंड ने कहा कि हमें कुछ ऑब्जेक्शन है, तो नागालैंड ने बोला कि देखिए सुप्रीम कोर्ट, मिस्टर सुप्रीम कोर्ट, यू हैड ओनली इन प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 की, जो 17 साल पुरानी एक जजमेंट थी, आप ही ने उसमें कहा था कि पैनल में कम से कम तीन ऑफिसर्स, तीन एलिजिबल ऑफिसर्स का नाम होना चाहिए, तो इसीलिए यूपीएससी को यहाँ पे तीन एलिजिबल ऑफिसर्स नहीं थे और दो ही थे, तो यूपीएससी को बेसिकली अपना जो क्राइटेरिया है उसको 25 ईयर्स कर देना चाहिए, सो दैट मोर ऑफिसर्स बिकम एलिजिबल, क्योंकि 30 ईयर्स वाली सर्विस है ही केवल रुपिन शर्मा जी के पास, तो उससे कम बेसिकली 25 ईयर्स कर देंगे तो हम तीन मेंबर्स डाल तो पाएंगे उस पैनल में एज ऑप्शन। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में रूल किया बेसिकली यूपीएससी के, और बोला कि देखिए अगर ऐसा हो जाएगा, अगर हम 25 साल वाला क्राइटेरिया हम लोअर डाउन कर देंगे 30 साल से 25 साल क्राइटेरिया को, तो एक सीनियर ऑफिसर वुड बी फोर्स्ड टू फंक्शन अंडर एन ऑफिसर 5 इयर्स जूनियर टू हिम, यानी कि अगर एक 25 साल की एक्सपीरियंस वाले इंसान को हमने डीजीपी बना दिया, लेकिन कोई एक 30 साल वाला जो ऑफिसर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो शर्मा जी हैं उनको 3 साल का, लेकिन वो नहीं बनते डीजीपी, कोई 25 साल के एक्सपीरियंस वाला बन जाता है, तो 25 साल के एक्सपीरियंस वाले के नीचे 30 साल वाले एक्सपीरियंस को काम करना पड़ेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैलिड, ओके, जस्टिफाइड इनफ। इट ऑल्सो सेड दैट द स्टिपुलेशन ऑफ 3 ऑफिसर्स, और साथ ही में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बाई चांस आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट आए कि यू नो जो 3 ऑफिसर्स होने ही होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी ये सैक्रोसेंट नहीं है, इस 3 ना भी हो चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, तो ये जो यूपीएससी ने किया है वो सही है। What did the प्रकाश सिंह जजमेंट से अपॉइंटमेंट्स ऑफ डीडीपी, देखिए मेरी आपको सजेशन है कि आप प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 उसके जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं उसको पढ़िए, वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के पर्सपेक्टिव, दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में हमारी प्रेसिडेंट काफ़ी यू नो एम्फसाइज कर रही हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट प्रिजन रिफॉर्म्स, बेल के बारे में बात हो रही है, तो प्रकाश सिंह जजमेंट आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाश सिंह जी ने सितंबर 22 को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है एज पुलिस रिफॉर्म्स डे, क्योंकि सितंबर 22 2006 को ही प्रकाश सिंह जजमेंट आई थी जिसमें प्रिजन रिफॉर्म्स आए थे, तो इसीलिए तो सितंबर 22 को ही एग्जैक्टली प्रकाश सिंह जी ने 10 पॉइंट दिए थे, आपको याद होगा हमने डिस्कस किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया था कि क्यों हमें नई पुलिस चाहिए, तो बहुत अच्छा आर्टिकल था। बट अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपीज आर नाउ मेड ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन पुलिस रिफॉर्म्स इन प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 17 ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इस जजमेंट में गाइडलाइंस निकाली थी डीजीपी के अपॉइंटमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, वो क्या है ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द जजमेंट यूपीएससी ने इशू की अपनी खुद की गाइडलाइंस इन 2009 कि कैसे पुलिस चीफ्स को, स्टेट के पुलिस चीफ्स को अपॉइंट किया जाएगा। तो इस गाइडलाइन के तहत बेसिकली स्टेट को क्या करना है, एक एलिजिबल ऑफिसर्स की लिस्ट को बेसिकली यूपीएससी को सेंड करना है जिसमें एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस उनके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस, अलोंग विद दीज ऑफिसर्स सर्विस, ऑफकोर्स साथ ही में इनके ऑफिसर्स का रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, दे शुड हैव बीन इंटीग्रिटी
होल्ड की होनी चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान परफॉर्मेंस अप्रेजल, विजिलेंस, क्लियरेंस, किसी भी तरह का करप्शन, मालाफाइड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड हैव हेल्ड अ गुड रिकॉर्ड। दीज ऑफिसर्स आर टू बी द रैंक ऑफ, तो अगर आपकी एक स्टेटमेंट ये भी लिखी है कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी साथ में भेजनी है तो दैट्स ट्रू। दीज ऑफिसर्स आर टू बी ऑफ द रैंक ऑफ, और साथ ही में जो ऑफिसर्स आप एज एलिजिबल लिस्ट भेज रहे हैं एलिजिबल लिस्ट में, they should be of the rank of ADG or the rank of police chief. तो basically ADG के rank के होने चाहिए या फिर police chief. Okay, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। Additional Director General, the list is supposed to be given to the UPSC 6 months before the incumbent DGP is to retire. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ओके, ये जो लिस्ट भेजनी है स्टेट गवर्नमेंट को, यूपीएससी को, वो जब जो अभी प्रेजेंटली डीजीपी हैं उनके रिटायरमेंट में 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा हो, उसी समय उनको पता चल जाना चाहिए कि लिस्ट भेजनी है, क्योंकि यूपीएससी भी समय ले सकती है उनको क्लियर करने की। ठीक है, तो मिनिमम 6 मंथ्स ठीक है होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह ये भी बोला है, जी हाँ, कि यूपीएससी शैल नॉट पुट इन द पैनल एनी ऑफिसर विद लेस देन 6 मंथ्स टू रिटायरमेंट। ओके नो, ये एक और ये डिफरेंट चीज है, जो बेसिकली जो इनकम्बेंट डीजीपी है उनके 6 महीने यू नो रिटायरमेंट को रहेगा यहाँ अगर, तो उतने टाइम के आसपास यूपीएससी को ये पैनल भेजना है। एन एम्पैनलमेंट कमिटी हेडेड बाय द यूपीएससी चेयरमैन, तो जिसमें यूपीएससी चेयरमैन होंगे, साथ ही में यूनियन होम सेक्रेटरी होंगे, स्टेट चीफ सेक्रेटरी होंगे, स्टेट डीजीपी होंगे, स्टेट जो कंसर्न स्टेट है, एंड द चीफ ऑफ अ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन इट। इट इज सपोज्ड टू सिलेक्ट अ पैनल ऑफ 3 ऑफिसर्स बेस्ड ऑन मेरिट फॉर स्मॉलर स्टेट, जो छोटी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स जैसे मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, तो इन तरह के केसेस में जो स्मॉलर स्टेट्स के लिए दैट मे हैव ओनली 1 कैडर पोस्ट ऑफ डीजीपी, द कमिटी इज सपोज्ड टू सेंड 2 नेम्स। ओके, तो ये चीज यहाँ पे बेसिकली जब कोई और इस तरह की पोस्ट नहीं है तो उसमें 2 ही नाम भेज सकती है। इन द केस ऑफ नागालैंड ओनली 2 ऑफिसर्स फुलफिल्ड, तो नागालैंड के केस में बेसिकली 2 ही लोग थे, जो रुपिन शर्मा जी हमने देखे और साथ में ए सुनील जी, जिनके पास 30 साल की सर्विस का रिकॉर्ड था। 1 अमंग दीज ऑफिसर्स पुल्ड आउट, उसमें से एक उन्होंने बोला कि नहीं जी, हम तो कैबिनेट सेक्रेटरी में काम कर रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू माई स्टेट अगैन। और साथ ही में सो ओनली 1 ऑफिसर्स नेम वॉज सेंट टू द स्टेट। इंटरेस्टिंगली वाइल द यूपीएससी सबमिटेड दैट आचार्या हैड पुल्ड आउट ऑफ द रेस, द होम मिनिस्ट्री इन इट्स एफिडेविट सेड आचार्या को, और साथ ही में देखिए क्या है कि होम मिनिस्ट्री ने अपने एफिडेविट में बोला कि आचार्या को हम रिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेंटर लेवल पे लगा रहे हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि रूल्स ये भी कहते हैं कि कंसेंट ऑफ एन ऑफिसर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हर पोस्टिंग। आप लिखा होगा उसमें कि कंसेंट ऑफ एन ऑफिसर इज रिक्वायर्ड, तो आपको लगेगा यार भारत तो बहुत प्रोग्रेस हो रहा है, प्रिविजन के लिए कंसेंट चाहिए, हर चीज के लिए कंसेंट चाहिए, तो इसके लिए भी कंसेंट चाहिए होगा, विच इज रॉन्ग। ऑल्सो द सेंटर हैज द पावर टू नॉट रिलीव एन ऑफिसर फॉर पोस्टिंग इन द स्टेट। सेंटर के पास पावर है अगर कोई भी एक होम कार्डर में से लाया हुआ जो ऑफिसर है वो सेंट्रल लेवल पे काम कर रहा है, लेकिन उसको दोबारा होम लेवल पे डीजीपी इस तरह की पोस्ट के लिए भेजना है, तो सेंटर डिसाइड कर सकती है कि हम नहीं रिलीव करेंगे उसको सेंटर से। तो कंसेंट ऑफ सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऑल्सो सबमिटेड दैट वाइल द 30-year रूल कुड बी रिलैक्स टू 25 years, मतलब हाँ 25 साल तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है, उसमें नागालैंड भी आता है, which may not have enough officers meeting this criterion, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उनके पास बहुत सारे officers हों जिन्होंने 30 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, पर दिस इज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। लेकिन सेंटर ने यहाँ पे क्या किया, आचार्या जी को बोला कि हम रिलीव नहीं कर रहे, तो एक ही इंसान रह गया जिनको बनाना था। दो टू ऑर्डर्स पास इन 2018 and 19, ओके, थ्रू टू ऑर्डर्स पास इन 2018 and 19, द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो स्टिपुलेटेड, तो एक और चीज़, एक और स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी, यूपीएससी शैल नॉट पुट इन द पैनल एनी ऑफिसर विद लेस देन 6 मंथ्स टू रिटायरमेंट। यानी कि कोई भी ऐसा ऑफिसर आप उसको डीजीपी नहीं बना सकते जिसके रिटायरमेंट में ही अब सिर्फ 6 महीने या उससे कम रह गए हैं, ओके, लेस देन 6 मंथ्स एक्चुअली, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब द हिंदू के बाकी आर्टिकल्स हमें देखने हैं। ओके,
अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़, दिस इज़ एन एब्सोल्यूटली ब्यूटीफुल एग्जांपल फॉर यू टू राइट इन योर GS4। एंड ऑफ कोर्स आपके GS2 में भी अगर इंडिया का साउथ साउथ सॉलिडारिटी या फिर इंडिया का ग्लोबल साउथ पे क्वेश्चन आता है या फिर इंडिया का एड पे क्वेश्चन आता है, दैट इंडिया हैज़ रिसेंटली बिकम एन एड गिविंग कंट्री टू आर पार्टनर्स एंड टू आर नेबर्स एंड टू आर साउथ पार्टनर्स, तो आप उसमें टर्की और सीरिया को जो अभी जिस तरह की दुर्घटना से वो गुजर रहे हैं, और हमने कैसे, यू नो, वी हैव बीन द वन ऑफ द फर्स्ट, आप कह सकते हैं, सपोर्टर्स जिन्होंने अपनी टीम भेजी जिसमें 2 NDRF की टीम्स थी, इस तरह का जो भी सपोर्ट दिया आपने, डॉग स्क्वाड्स भेजे रेस्क्यू और रिलीफ यू नो ऑपरेशंस के लिए, तो ये एग्जांपल आपके लिए। और कैसे फिर आप इस तरह का अगर मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो यू वुड राइट अबाउट श्रीलंका, हाउ इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू हेल्प आउट श्रीलंका विद ऑल ऑफ 4 बिलियन एड लाइन ऑफ क्रेडिट एंड ऑल ऑफ दैट 4 ही महीने में। IMF से तो इनको $2.9 जो भी मिलेगा वो भी 4 सालों में मिलेगा अगले, और हमने 4 महीने में उनसे कई गुना ज़्यादा डबल दे दिया ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और कैसे मालदीव्स को वी हैव ऑलवेज बीन एक्सटेंडिंग लाइन्स ऑफ क्रेडिट एंड ग्रांट्स एंड एड्स, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हम वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आप लिखेंगे कि कैसे इंडिया एक डोनर कंट्री बन रही है, या फिर इस तरह से एड कंट्री, या फिर कैसे यूक्रेन पे हमने, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के समय पे हमने कितनी मेडिकल एड्स ये सब कुछ यू नो भेजा, बैंडेजेस, एवरीथिंग, यू नो। तो ये दिस इज हाउ यू विल राइट अ होलिस्टिक आंसर ऑन इट, ओके, पर्सनल, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम इज व्हाट इंडिया स्टैंड्स फॉर। पर्सनल एड फ्रॉम इंडिया रीच टर्की मोर रिलीफ एंड रूटे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिया ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 NDRF की टीम्स गई थी, 101 members, और साथ ही में हमने डॉग स्क्वाड्स भेजे हैं। द फर्स्ट 2 C-17s लेफ्ट विद सेल्फ कंटेन्ड NDRF टीम्स इंक्लूडिंग डॉग स्क्वाड्स, सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट्स, एक्सट्रिकेशन टूल्स एंड व्हीकल्स, और साथ ही में यहाँ पे हम देख रहे हैं हमने डिस्पैच किया है 4 Indian Air Force C-17 ओके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को विद रिलीफ मटेरियल, अ 30-bed फील्ड हॉस्पिटल एंड रेस्क्यू एंड मेडिकल पर्सनल टू टर्की एज पार्ट ऑफ आर ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। तो ये आप ज़रूर मेंशन करेंगे, द फर्स्ट C-17 रीच्ड ड्यूरिंग द डे। तो सीरिया को, ये तो हमने टर्की को देख लिया, सीरिया को हमने क्या भेजा है, मेडिकल सप्लाईज डिस्पैच की हैं इन एन IAF C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू डमास्कस, ओके, थ्रू इट्स डिपार्चर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, और साथ ही में हम देख लेते हैं कि कैसे टर्की ने और सीरिया के एम्बेसडर्स ने हमें इस पे रिस्पॉन्ड किया है। इंडियाज़ डिसीजन टू सेंड रेस्क्यू टीम्स टू हेल्प विद अर्थक्वेक रिलीफ इज टाइमली एंड अ साइन ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ये बेसिकली जो एनवॉइज हैं टर्की और सीरिया दोनों ने यही कहा है। अगर हम टर्की एम्बेसडर की स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली पढ़ें, द फर्स्ट 24 to 48 hours आफ्टर अ डिजास्टर ऑफ दीज प्रिपोर्शंस आर द मोस्ट क्रिटिकल, और बिल्कुल सच है, जो शुरुआती यू नो 24 to 48 hours होते हैं वही क्रिटिकल, यू कैन, वही एक डू और डाई सिचुएशन होती है जिसमें आप बचा सकते हैं लोगों को, ठीक है, और वही चीज़ as there is hope, you know, that we can search and rescue the maximum number of those trapped in the rubble. और इंडिया ने इस समय पर अपनी हेल्प ऑफर की, इस क्रिटिकल समय पर जब हमने 100 experts भेजे, डॉग स्क्वाड्स भेजे, ये काफ़ी टाइमली था, एंड ऑफकोर्स दे वेलकम इट, और साथ ही में उन्होंने ये बोला है कि ये एक रियल फ्रेंडशिप का साइन है। और सीरिया के अगर हम एम्बेसडर की बात देखें तो whenever सीरिया, तो उन्होंने बोला है जब भी सीरिया को ज़रूरत पड़ी है किसी भी चीज़ की, भारत ने हमेशा बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड किया है, और ये इन्होंने बोला है कि साइन है साउथ साउथ सॉलिडारिटी का। देखिए आपको इस पर बहुत अच्छा आंसर प्रिपेयर करना है साउथ साउथ सॉलिडारिटी पे, क्योंकि इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं। इसका एक एनवायरमेंटल डायमेंशन है जहाँ पे हम CBDR के लिए स्टैंड करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी में इंडिया उस साउथ साइड सॉलिडारिटी के लिए खड़ा होता है। साथ ही में बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, कैसे पॉलिटिकली, या फिर डिजास्टर एक डायमेंशन यहाँ पे, कैसे वी आर ऑलमोस्ट क्विकेस्ट, हमने कैसे श्रीलंका के लिए
साथ दिया, कैसे अपनी साउथ कंट्री जैसे सीरिया सबके लिए काम कर रहे हैं. सो यू कैन राइट इकोनॉमी के लिए हम लिख सकते हैं कैसे हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अभी कंडक्ट किया था G20 में. वैसे उसूलन नहीं होना चाहिए क्योंकि G20 तो इस दुनिया के सबसे अमीर इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज का ग्रुप है. क्यों यू नो हमने बाकी 120 देशों को बुलाया जो ग्लोबल साउथ के थे, ये दिखाता है कि हम वी स्टैंड फॉर इट एट इकोनॉमिक फ्रंट ऑल्सो. दे कैन बी मैनी डायमेंशन टू इट. ओके, नो प्रपोजल फॉर कोटा फॉर ट्रांसजेंडर पीपल गवर्नमेंट. तो सरकार ने रिस्पॉन्ड किया है लोकसभा में कि देखिए कोई प्रपोजल तो अभी नहीं है ट्रांसजेंडर पर्सन को रिजर्वेशन देने का, ना ही एडुकेशन में, ना ही एम्प्लॉयमेंट में. जबकि आप जानते हैं कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा था ओके फाइन रिजर्वेशन, देखिए कभी तो कोई समय आएगा जब रिजर्वेशन को भी खत्म करना पड़ेगा, कभी तो हम शान से कह सकें कि हम इक्वल हो गए हैं. लेकिन रिजर्वेशन के और पहलू हैं जो सरकार को देखने पड़ेंगे. ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनका एमलगमेशन सोसाइटी के साथ नहीं हुआ है. सो मे बी यू कैन थिंक ऑफ से एक्सपेंडिंग योर अम्ब्रेला. तो ये बहुत सारे यू नो राम सिंह केस में, जाट के रिजर्वेशन केस में भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बोला गया था कि ट्रांसजेंडर पीपल के बारे में आप सोच सकते हैं रिजर्वेशन देना एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल्स एक्ट जो है 2019 का एक एक्ट है, आई डू नॉट नो इट्स नेम एग्जैक्टली एट द मोमेंट, दो आपको उसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए. कैसे जो इस साल का क्वेश्चन आया है कि जो 2016 का राइट ऑफ PWDs एक्ट इनफ नहीं है, एक लॉ लाने से सब कुछ नहीं हो जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है. सोसाइटी को सेंसिटाइज कीजिए किस तरह की डिफिकल्टीज वो फेल यू नो फेस करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. वैसे ही ट्रांसजेंडर्स के लिए एक लॉ ला देने से कि आप इक्वल हैं, आपके साथ कोई हरासमेंट नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, लेकिन हो रही है ना, होती है, ये तो फैक्ट है. तो बड़े सारे स्टेप्स की और जरूरत है. तो मे बी रिजर्वेशन आप उसमें लिख सकते हैं आंसर में एक सजेशन. ठीक है, तो ऐसे ही आप उसको प्रिपेयर करें उस तरह का मटीरियल. मिस्टर नारायण स्वामी सेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज नो इन्फॉर्मेशन. देखिए बात क्या है ना कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, इसीलिए कहते हैं डेटा इज अ न्यू ऑयल. ओनली इफ यू हैव द डेटा इन योर हैंड्स यू कैन प्लान आउट समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप. सो यू डोंट हैव द डेटा कि कितने ट्रांसजेंडर लोग हैं जो एम्प्लॉयड है गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में. सो हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे आप हेल्प करेंगे, टारगेट करेंगे. ओके, तो कंडक्ट समथिंग ऑन दैट. देन एडिंग दैट सो फार जस्ट 10,635 पीपल हैड रजिस्टर्ड. और अगर हम बात करें यू नो नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन में भी केवल 10,000 के करीब लोगों ने खुद को रजिस्टर किया, विच इज़ नथिंग, विच इज़ नेग्लिजिबल. अगर हम जो असल डेटा देखें तो हमें डेटा की बहुत ज़रूरत है. ओके, तो साथ में वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. उन्होंने बोला कि एक्ट है, एक्ट करेगा सब कुछ, पर बहुत कुछ करने की जरूरत है. अंडर फायर फ्रॉम NCST, IIT बॉम्बे टू हायर काउंसलर्स फॉर SC/ST स्टूडेंट्स. नाउ दिस ऑफ कोर्स यू नो हमने इस पे डिस्कस किया था कि कैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स ने बोला था, मेंटल हेल्थ का यहाँ पे एक टॉपिक है, जैसे IIT बॉम्बे में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स काफी हरास्ड फील करते हैं. क्यों हरास्ड फील करते हैं, क्योंकि देखिए ये मेरिटोरियस कॉलेजेस हैं और यहाँ पे बहुत बार जो मेरिट के बेसिस पे बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, तो सोशल मीडिया पे काफ़ी बार रिजर्वेशंस के बारे में बोलते दिख जाते हैं. अब देखिए एक पर्टिकुलर कास्ट है, उस कास्ट को देख के ही अगर किसी को पता चल रहा है कि ये यू नो रिजर्व्ड कास्ट है, तो फिर यू नो बच्चे लिख देते हैं सोशल मीडिया पे ये सब वगैरह. तो जो SC/ST स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी टारगेटेड फील करते हैं, एम्बेरस्ड फील करते हैं, लो ऑन सेल्फ इस्टीम फील करते हैं. तो उनको काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं इस वजह से. तो NCST ने फिर IIT बॉम्बे को काफ़ी इस चीज़ की वजह से डांटा और ऑफकोर्स उनको बोला कि यू विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, अगर कोई बच्चा यहाँ पे कुछ गलत कर ले अपने साथ इस वजह से. तो इसीलिए उन्होंने फाइनली अब IIT बॉम्बे ने बोला है कि हम एक स्पेसिफिक परमानेंट फैकल्टी हायर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए कैंपस में ही. और वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि ऑफकोर्स इट वुड प्लग द सिचुएशन. तो अब IIT बॉम्बे का इफ़ यू से गेट अ क्वेश्चन ऑन मेंटल हेल्थ यू कैन राइट अबाउट दिस एस्पेक्ट. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिलेटेड वायलेंस डाउन बाई 76% इन 2022 फ्रॉम केसेज इन 2010. सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू शुड बी प्रिपेयरिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म एंड यू नो ऑल दैट विद द मैप्स, प्रॉपर मैप्स इन योर इंटरनल सिक्योरिटी वाला सेक्शन जो आपके GS3 में आता है. यू शुड बी हैविंग अ गुड मैप रेडी, यू शुड बी हैविंग द गुड इन्फॉर्मेशन एंड डेटा एंड स्टैट्स रेडी, रीसेंट ट्रेंड्स रेडी, ऑल द गवर्नमेंटल स्कीम्स रेडी,
government's approach ready, a good introduction, a good conclusion, all right? Because now, you know, our home minister is talking a lot about left-wing extremism lately, okay? So, isliye aapke liye bahut important hai. So, Union Home Minister Amit Shah on Tuesday said that violence related to left-wing extremism has come down by 76% 2010 ke comparison mein. क्यों? क्योंकि सेंटर की एक थ्री प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है, आप इससे शुरू कीजिए ना, या फिर इस पे बॉडी का जो मेन पार्ट है जिसके नीचे आप पॉइंट्स लिखेंगे, राइट इट ब्यूटीफुल, ओके? तो थ्री प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी है, पहला पॉइंट क्या होता है, पहला लेवल क्या होता है, अ रेजोल्यूट अप्रोच टू कर्ब एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस. पहली बात तो हम ही फर्म है कि हमें कर्ब करना ही करना है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस को. दूसरा, बेटर कोऑर्डिनेशन विद अफेक्टेड स्टेट्स, केंद्रीय सरकार का बेटर कोऑर्डिनेट करना किनके साथ, जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल से उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ओके नॉट बिहार, तो उनके साथ और छत्तीसगढ़, एंड डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन. तीसरा फेज है डेवलपमेंट थ्रू, वहाँ को डेवलप करना, क्योंकि देखिए जब डेवलप नहीं होता एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रीजन तक कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, ना इकोनॉमी का, ना सोसाइटी का, तो फिर उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है कि सरकार करती क्या आपके लिए, आप देखिए आप पुअर हैं अभी भी, कुछ नहीं है आपके पास, जॉब्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है. तो उन्हीं लोगों की पार्टिसिपेशन के साथ डेवलप करना उसी रीजन को, दिस इज द यू नो फाइनल स्टेप. Mr. Shah, while chairing the meeting of the Parliamentary Consultative Committee on LWE, said that for the first time in four decades, पिछले 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो number of deaths of civilians and security forces हैं इस तरह की states में, LWE affected states में, वो 100 से नीचे हैं, 98, okay? तो हम 2010 में देखें तो it was 1005 और अब देखिए 98, तो a huge leap of improvement. The number of districts affected dropped from 90 to 45. और साथ ही में जो number of districts affected हैं वो देखिए almost आधे हो गए हैं, almost या आधे ही हो गए हैं, 90 से 45 हो गए हैं, ठीक है. Sharing details of वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि हमने और क्या किया है, क्यों हो पाया है. Ministry of Home Affairs का कहना है कि हमने 2019 से अभी तक armed forces ने establish किए हैं 175 नए camps को, ताकि हम plug कर सकें security vacuum in the LWE infested zones. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. Achieved against in difficult areas. Okay, success has been achieved. कुछ difficult areas हुआ करते थे, आप जानते हैं झारखंड का बुड्ढा पहाड़, और साथ ही में चकार बांध बिहार का, ओके बिहार भी, आई एम सॉरी अबाउट दैट. तो उन जगहों पे भी हम बेसिकली इराडिकेट करने में, सक्सेस हासिल करने में काफ़ी सक्षम हुए हैं इन एफर्ट्स की वजह से. ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ओके. और कैसे सिक्योरिटी फोर्स BSF ने भी अपना एक एयर विंग के माध्यम से कैसे स्ट्रेंथन किया है, एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी चीज़ें, और कैसे रोडवेज भी डेवलप हुई है, बेटर कनेक्टिविटी है, एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ आप देखेंगे यहाँ पे. नाउ दिस इज़, ये हम फर्स्ट यू नो पेज पे देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कुछ भी, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया इसको. ऑयल स्टिल नीडेड while world transitions to clean energy systems. Again, global south solidarity. Everybody will talk about it. Why not? Since, अब देखिए भारत और UAE में ना बहुत levels पे हमारा रिश्ता scale किया है. जैसे हमने FTA लाए हैं, उसको follow कर रहे हैं. UAE, France और India ने परसों ही अभी एक trilateral initiative को sign किया है, you know, और उसके माध्यम से हम G20 summit के sidelines पे, COP28 की साइडलाइंस पे, जिसको UAE इस बार प्रेसिडेंसी जिसकी होल्ड कर रहा है, बहुत सारे इवेंट्स करेंगे तीनों कंट्रीज हम मिलके. तो UAE ऑल ऑफ अ सडन हमारे लिए, वैसे ऑल ऑफ अ सडन नहीं, पर इट्स वेरी गुड कि हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर बन गया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वेस्ट एशिया के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन, ओके. तो यहाँ पे देखिए इन्होंने भी उसी चीज़ को ट्रिगर किया है जो भारत बार बार कहता है, ग्लोबल साउथ सॉलिडारिटी. और भारत बार बार कहता है, इट्स वेरी इजी टू से ऑल ऑफ दैट, यू नो, एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए कि सीमेंट टैक्स लगा दो, ये लगा दो. अरे कैसे लगा दें, गरीब देश भी हैं, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस भी हैं, उनको कह देते हैं कि आप एनर्जी ट्रांजिशन करिए, तो जो उनको अपनी डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, वो पैसा अगर एनर्जी ट्रांजिशन में लगा देंगे, तो फिर आप भरोगे ना उसके पैसे, उसकी एनर्जी ट्रांजिशन के पैसे, वो आप देने के लिए तैयार नहीं हो. कोपेनहेगन समिट में आपने प्रॉमिस किया था $100 बिलियन प्रति साल, प्रति वर्ष आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. अरे इन्फ्लेशन भी हो गया, आप तो $200 बिलियन से भी ज़्यादा के करीब लगेगा. बट नो लीडरशिप इन योर पार्ट, बट दूसरों को लेक्चर देना बहुत अच्छे से आता है आपको, ठीक है. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है. और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि UAE के बारे में ना काफी कंट्रोवर्सी छिड़ गई है कि इनको
मतलब यूएई भी क्या, इन्होंने बोला, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, कि प्रेसिडेंसी जो बेसिकली मिली है COP28 की, UNFCCC की, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर को दे दी गई है, वो सब कुछ मैनेज करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट यूएई का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो ऑयल और इसी में तो डील करते हैं, और लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व हैं उनके पास, वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो फिर वो क्यों बेसिकली चाहेंगे कि ग्लोबल ट्रांजिशन हो, एनर्जी ट्रांजिशन हो, वो तो फेवर ही नहीं करेंगे कभी भी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर बड़े सारे एक्टिविस्ट ने इसका भी जवाब दिया, काउंटर जवाब, कि ऐसे तो फिर पूरी यूएई का ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि पूरी कंट्री ही सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस से कमाती है ना, तो फिर पूरी कंट्री को प्रेजिडेंट मत बनाओ, कभी बनी नहीं सकती। कतर भी तो बनी थी एक बार, तब तो किसी ने नहीं बोला, कतर का भी तो ऑयल रिजर्व पर काफ़ी वो निर्भर करते हैं अपने रेवेन्यूज के लिए। तो ये भी एक यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी। डिस्पाइट द इम्प्रेसिव ग्रोथ, हमने ग्रोथ देखी है विंड में, सोलर पावर में, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी अपने में ही सफिशिएंट नहीं है। भारत का केस देखिए आप, भारत की एनर्जी डिमांड ही बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही है, तो जो एडिशनल डिमांड आएगी संसार की, जैसे पीएम मोदी ने अभी रिसेंटली बोला, अभी 5% ग्लोबल डिमांड एनर्जी की भारत से आती है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी 11% डिमांड आएगी। तो वो जो डिमांड बढ़ी है वो सारी की सारी रिन्यूएबल एनर्जी से नहीं फुलफिल हो सकती, उसके लिए ऑफकोर्स आपको कुछ तो हाइड्रोकार्बन्स कार्बन्स इनको यूज़ करना पड़ेगा, तो या फिर कोल को। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने हिट की है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, देर इज नथिंग एल्स इन टू इट। देखिए 6,000 यहाँ पे टोल पहुँच चुका है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, और वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए वही रहेगा 8 लाख वाला क्राइटेरिया। ये बस ऐसी पार्लियामेंट में बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम जो प्लीज हैं, पिटिशन हैं अगेंस्ट एलिवेटिंग लॉयर, वो नहीं लेंगे। यानी कि आप जानते हैं, ओके आई विल डिस्कस इट इन डिटेल नाउ। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूजडे को बोला है कि देखिए हम पिटिशन्स ही एंटरटेन नहीं करेंगे जो आप चैलेंज कर रही हैं, ये पिटिशन्स अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट विक्टोरिया गौरी, क्योंकि इनको एडिशनल जज के लिए बेसिकली रेकमेंड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम द्वारा इन मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन बहुत सारे पिटिशनर्स का ये कहना है कि आप देखिए 2018 में सोशल मीडिया पे इन्होंने कितनी प्रोवोकेटिव हेट स्पीचेस दी हुई हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बोला कि जनवरी 17 को जब हम इनका रिकमेंडेशन क्लियर कर रहे थे, तो तब इस तरह की बातें शायद हमारे सामने नहीं आई, तो लेकिन अब हम इन पिटिशन्स को मतलब लिस्ट कर रहे हैं, अब हम इनको सुनेंगे। लेकिन फिर अगले दिन ही देख ली, अब देख लीजिए क्या हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना का ये कहना है कि देखिए हमारे पास एक फेयर रोबस्ट स्क्रूटनी प्रोसेस होता है, तो हम उसके साथ इंटरफेयर ना करें तो अच्छा है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोलिजियम ने इस बात का नोट नहीं लिया होगा? ओके हम कि वो सूटेबल है कि नहीं है, उस क्वेश्चन में हम जा ही नहीं सकते। और साथ ही में आप ये सुनिए ना, इन्होंने थोड़ा सा पिटिशनर्स को काम करते हुए बोला है कि अभी एडिशनल जज है ना, अभी परमानेंट जज तो नहीं हुई है, तो वो उस पर देखेंगे इस तरह की बातें। तो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है, सम हल्द्वानी एनक्रोचर्स विल हैव टू गो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप जानते हैं कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि एविक्ट कर दो जो भी पुअर फैमिलीज रेलवे स्टेशन के आसपास रह रही हैं, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के, और ओवर 29 एकर्स ऑफ लैंड, क्योंकि वो बिलोंग करता है इंडियन रेलवेज को। तो लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफकोर्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने उसको स्टे लगा दिया था हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पे उत्तराखंड के, और फिर उसमें जो भी प्लीज हैं वो सुनी जा रही है। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए कुछ तो हम मानते हैं कि ऐसे रैम्पेंट सबको इविक्ट कर देना वो गलत होगा, दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट ऑल टुगेदर। लेकिन क्योंकि उनके पास भी वो बोलते हैं नजूल की ज़मीन, हमारे पास पेपर्स हैं, हमने इससे पहले किसके पास थी और उनसे खरीदी है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हाँ हमें पता है कहीं वैलिड भी हैं उनकी जो रेजर्वेशन, पर कहीं तो ग्रॉस एनक्रोचर्स हैं, कहीं उन्होंने तो जबरदस्ती रेलवे लैंड पे एनक्रोच किया हुआ है, तो दे विल हैव टू गो, सम पीपल विल हैव टू गो आउट, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।